हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करी थी कि किस तरह से एक कैपेसिटर को हम बनाते हैं। लाइक हमने एक जब कंडक्टिंग स्फीयर लिया था, उस पर चार्ज डाला था, तो वो एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा था। फिर उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो काफ़ी कम थी, और उसमें जो एनर्जी थी वो भी बिल्कुल डिकनफाइंड नहीं थी, वो जो आर से लेकर के इन्फिनिट तक बिखरी हुई थी, याद है। उसके बाद हमने उसी कंडक्टर के पास में, चार्ज पॉजिटिव कंडक्टर के पास में, एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा था और देखा था कि कैपेसिटेंस बढ़ी थी उससे। फिर हमने उस पर निगेटिव कंडक्टर रखा था और देखा था कि उससे कंडक्टेंस और भी बढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम था वो कुछ इस तरह से था कि ये पॉजिटिव कंडक्टर था, ये निगेटिव कंडक्टर था, इस पर पॉजिटिव ये चार्ज था इस तरह से, है ना, इस पर निगेटिव चार्ज था, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हद तक कन्फाइंड हुई थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से थी, है ना, लेकिन अदर जगह पे जो थी वो कन्फाइंड नहीं थी, इस तरह से था, है ना, इस तरह से था। तो इस रीजन वाली जो थी वो कन्फाइंड थी, और अदर रीजन वाली जो थी वो कन्फाइंड नहीं थी। इस तरह से हम बोल रहे थे कि कुछ और भी किया जा सकता है। तो हमने क्या किया कि इन स्फीयर्स पे चार्ज देने की बजाय हमने प्लेट्स का यूज किया। क्या किया, कंडक्टिंग प्लेट्स रखी। इस तरह से हमने कंडक्टिंग प्लेट्स रखी, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दो प्लेट्स ली और उन दोनों पे चार्ज दिया, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। प्लेट्स की अगर आप मेरी क्लास देख चुके होगे तो प्लेट्स पे जब भी हम चार्ज देते हैं तो प्लेट्स, मान लो एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, ठीक है, इस पे हमने चार्ज दिया Q1, और इस पे चार्ज दिया Q2, ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पे आ जाता है। तो कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। मान लो इस पे आ गया Q1, इस पे आ गया Q2, इसी तरह से यहाँ पे इस पे आ गया Q3, इस पे आ गया Q4। तो इन Q1, Q2, Q3, Q4 में कुछ रिलेशन होता है Q1 और Q2 के टर्म्स में। तो जो Q1 होता है और Q4 होता है ये आपस में बराबर होते हैं, और इनकी वैल्यू होती है Q1 प्लस Q2 बटा 2। और Q2 और Q3 में एक माइनस साइन का डिफरेंस होता है, बाकी दोनों बराबर होते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये चीज अगर आप याद रखोगे तो ये सिंपली, यहाँ पर हम मान लो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यहाँ पर हम निगेटिव चार्ज देते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या दिया प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या दिया माइनस क्यू। जब हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की प्लेट्स हम सर्फेसेस दिखाएंगे। सर यहाँ पर हमने दिया प्लस क्यू और यहाँ पर दिया माइनस क्यू, इधर वाली सर्फेस पे क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन टू यानी जीरो, इधर वाली पर भी जीरो, इधर क्या आ जाएगा क्यू टू। क्यू टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्यू वन माइनस क्यू टू यानी दिस माइनस दिस, है ना, यानी 2q अपॉन q यानी प्लस q, यानी प्लस q का मतलब यहाँ पे प्लस q आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका निगेटिव यानी माइनस q। अर्थात इस पे जो चार्ज होगा वो बिखरा हुआ प्लस इस तरह से होगा, कंडक्टिंग प्लेट है, और इस पे क्या होगा माइनस, ठीक है। इस तरह से अब क्या हुआ, हमारे पास एक सिस्टम बना जिसमें जो बाहर वाली सरफेस है उस पर कोई भी चार्ज नहीं थी। यहाँ पर क्या था कि इस वाली सरफेस पे और इस वाली सरफेस पे तो चार्ज था ही, साथ में बाहर भी पूरा चार्ज था, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था कन्फाइंड नहीं था और कैपेसिटेंस कम हो रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, अब जो सिस्टम बनाया है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है बंद रीजन में हो गए हैं, बाहर क्या है जीरो चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि एक हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या आता है, सिग्मा बाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब यहाँ पर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इधर आएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया यहाँ पर जीरो। सिमिलरली इधर किसी पॉइंट पर, सिमिलरली इधर किसी पॉइंट पर, तो इस वाली प्लेट की वजह से इधर और इस वाली प्लेट की वजह से इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितना हो गया जीरो, बात क्लियर है। लेकिन मिड में क्या होगा, जब हम मिडल पॉइंट की किसी बात करेंगे तो इस वाले चार्ज की वजह से इधर और इस वाले चार्ज की वजह से भी इधर, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बात क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कन्फाइंड है यहां से यहां तक, ठीक है, कुछ तो फायदा हुआ अभी हमें। हमने क्या मान लिया कि ये जो प्लेट्स थी इनका एरिया मान लिया हमने ए, और प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था वो मान लिया हमने स्मॉल डी, बात क्लियर है।
तो हम क्या जानते हैं, जब भी हमें कैपेसिटेंस लिखनी होती है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो यहाँ पे V क्या होता है, V होता है जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात जब हम V लिखेंगे यहाँ पर, तो V को एक और तरीके से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ठीक भाई। E, E की वैल्यू क्या लिखी है हमने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा, हाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और Q क्या है, Q क्या है, इस या किसी भी एक प्लेट पे चार्ज, तो प्लेट पे चार्ज को हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्लियर है, Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया, क्या आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये क्या आ गई हमारे पास, कैपेसिटेंस। अब मान लो हम एरिया बढ़ा दे, थोड़ा सा एरिया हम कर दे, मान लो 3-4 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, इतना बड़ा हम एरिया कर दे, उनके बीच की सेपरेशन बहुत कम कर दे, मान लो कर दे मिलीमीटर में, ठीक है, मिलीमीटर में या और माइक्रोमीटर में कर लो, तो ध्यान से देखो ये क्वांटिटी आपको बड़ी होती नजर आएगी, कितना छोटा, इतना छोटा एक सिस्टम बनाया है जिसमें ये क्वांटिटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और एनर्जी भी कन्फाइंड हो चुकी है। अर्थात इसके दोनों फायदे हैं, पहला क्या, कैपेसिटेंस बढ़ा, और दूसरा क्या, एनर्जी भी कन्फाइंड हो गई, एनर्जी भी कन्फाइंड हो गई। अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटर्स के कंपैरिजन में बेटर कैपेसिटर है, हमने वहीं से इसको एक तरह से सोचा है, क्योंकि ये जब सिस्टम बनाया था तो वहाँ से हमारे दिमाग में आया कि हम इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं, और कैपेसिटर्स जो होती है काफ़ी हाई होती है इन कंपैरिजन टू स्फेरिकल कैपेसिटर्स, और एनर्जी भी इसमें कन्फाइंड जाती है। क्या मेरी बातें क्लियर हैं, क्या मेरी बातें क्लियर है, पक्का। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, को हम इस तरह से नोट करेंगे, जब भी कोई सर्किट बनाएंगे, मान लो हमने यहाँ पर पोटेंशियल दिया है वी, यहाँ पर दिया है जीरो, तो इस वाले प्लेट प्लस क्यू, इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, यानी यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस सी वी और यहाँ आएगा माइनस सी वी, हम इस तरह से इसको दिखाएंगे जब भी हम सर्किट्स बनाएंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है, पक्का, उतारो इसको। अब इससे बेसिक बेसिक सवाल भी किया जा सकते हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, मान लो आपसे बोल दें बिल्कुल बेसिक बेसिक चर्चा कि हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम था जिसमें जो स्क्वायर प्लेट से बना हुआ था, इस तरह का कैपेसिटर जो स्क्वायर प्लेट से बना हुआ है, जिसकी साइड हमारे पास दी गई है 2 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दी गई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और उनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो है 0.1 मिलीमीटर, बताओ कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। आपसे सिंपल इसमें कैपेसिटेंस पूछी जाएगी, कोई कन्फ्यूजन है क्या, इसको आराम से कर सकते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए की वैल्यू क्या होगी, ए का वैल्यू हो गई इसका एरिया, यानी साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डी कितना है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। अब यूनिट वैल्यू बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है होती है फैरड, क्या होती है फैरड, मैंने शायद पहले भी आपको बताई थी कैपेसिटेंस की यूनिट हम किस में लिखेंगे, फैरड में, ये आपकी एमकेएस या एसआई यूनिट होती है, सिंपली जो भी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। मान लो इसमें और भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको, स्क्वायर न देकर के इस तरह से बोल दिया जाए कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर बन रहा है जो सर्कुलर जो प्लेट्स हैं उनसे बन रहा है, और इसकी रेडियस क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, इनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है 0.01 मिलीमीटर, बताओ कैपेसिटेंस क्या होगी। अब क्या कैपेसिटेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन डी 0.01 मिलीमीटर, यूनिट वैल्यू बराबर कर लो, आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूजन इस तरह के बेसिक सवालों में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई होप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम क्या करते हैं, हमने कैपेसिटर देख लिया क्या होता है, सिंपली हम किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, हमारे पास सिंपली एक कैपेसिटर है ना, इसको हम क्या करते हैं बैटरी से लगाते हैं, ठीक है, बैटरी से लगाते हैं, ये अपना चार्ज वार्ज होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, जब चार्जिंग हो रही होती है तो वास्तविकता में होता क्या है, ये मान लो प्लस है, ये एक माइनस है, ठीक है, हमने इसको डायरेक्टली एक बैटरी से लगाया तो होगा क्या कि मान लो इस पे हमारा जो इसकी कैपेसिटेंस थी सी थी, ठीक है, और बैटरी का वोल्टेज था वी, ठीक। अब होता क्या है कि बैटरी करती क्या है, बैटरी करती है कि बैटरी ने मान लो एक चार्ज यहाँ से लिया, यहाँ से क्यू चार्ज लिया, ठीक है, इस वाली प्लेट से क्यू चार्ज लिया और उसको लेकर के आई अपने अंदर समा लिया, फिर यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज निकाला,
और उसको यहाँ से इधर भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस क्यू चार्ज और यहाँ क्या आ गया हमारे पास प्लस क्यू चार्ज। सिंपल बात, बैटरी ने एक चार्ज यहाँ से लिया, इस तरह से आ गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा, अब क्या हुआ कि ऐसा करते करते ऐसा कब तक करते रहेंगे? पहली बात तो ये कि ये पॉसिबल तभी होगा जब यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा होगा, समझ रहे हो ना, कि बिना रेसिस्टर के करंट फ्लो करना मुश्किल है, हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर लगा होता है एक रेसिस्टर, ठीक है। अच्छा, रेसिस्टर जनरली हम आपको जब भी हम सर्किट देख तो वहाँ पर नहीं लगा होता, अभी समझ आएगा कि रेसिस्टर कैसे लगा है। देखो ना ध्यान से, देखो हुआ क्या, जब यहाँ से क्यू चार्ज इसने लिया तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके प्लस क्यू चार्ज कब तक होता रहेगा, जब तक कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना ना हो जाए वी। देखो स्टार्टिंग में क्या आया था, मान लो रेसिस्टर अभी ना दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे कितना था स्टार्टिंग में जीरो, ठीक है, यहाँ पे कितना था जीरो, फाइनली यहाँ कितना हो जाएगा वी, यहाँ पे कितना रहेगा जीरो। वास्तविकता में ये जो जीरो होता है, वास्तविकता में ये जो जीरो होता है, मान लो यहाँ पर जीरो था, तो जो यहाँ पर हमने रेसिस्टर आपको दिखाया, यहाँ पर जो हमने आपको रेसिस्टर दिखाया, इसके यहाँ पर इस जगह पर जब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पहले यहाँ पर कितना था, यहाँ पर भी जीरो था, यहाँ पर भी जीरो था, यहाँ पर भी जीरो था, जब यहाँ पर जीरो और यहाँ पर वी हो जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जब जीरो हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटर के अक्रॉस जब वी हो जाएगा, तब हमारा जो करंट है फ्लो होना इसमें बंद हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसने एक चार्ज लिया यहाँ से इधर दे, तो बेसिकली चार्ज लेकर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रही है, मान लो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ तो खुला हुआ है, यहाँ पे तो सर्किट ब्रेक है, तो इसका मतलब करंट फ्लो कैसे कर रही है, करंट जो है इसमें फ्लो कर रही है लेकिन इसके बीच में ट्रैवल नहीं कर रही है। सिंपल हो क्या रहा है, यहाँ से चार्ज ले रहा है यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ से ले रहा है यहाँ छोड़ रहा है, तो यहाँ निगेटिव आता जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव आता जा रहा है। सिंपल, कब तक ये होता रहेगा, जब तक कि यहाँ पे नेट चार्ज, जब तक कि क्यू की वैल्यू क्या ना हो जाए सी वी, नेट चार्ज कितना हो जाए सी वी, वी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जब पोटेंशियल ना हो जाए जब तक, तब तक ये चार्ज यहाँ पे फ्लो होता रहेगा और करंट फ्लो होती रहेगी। जब ये हमारा चार्ज जो है कम्प्लीटली यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सी वी माइनस सी वी, यहाँ पे प्लस सी वी हो जाता है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो स्टेडी स्टेट में आ चुका है। कैसे स्टेट में आ चुका है, स्टेडी स्टेट में आ चुका है, इसमें स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर जो होता है वो फुल चार्ज हो जाता है और करंट कितनी हो जाती है जीरो। जब करंट जीरो हो जाती है तो हम यहाँ पर रेसिस्टर नहीं दिखाते हैं जनरली, यहाँ पर चार्ज कितना हो गया प्लस का सी वी, यहाँ पे माइनस का सी वी, अगर ये वी पोटेंशियल है, उसका कैपेसिटेंस सी था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी रेसिस्टर नहीं दिखाते हैं और जब भी हम इस तरह की चर्चा करेंगे तो उसको बोलेंगे आफ्टर स्टडी स्टेट, और ये जो चर्चा थी जहाँ पर चार्जिंग हो रही थी उसको बोलते थे बिफोर स्टडी स्टेट, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, बिफोर स्टडी स्टेट, ये क्या था हमारे पास आफ्टर स्टडी स्टेट। तो अभी हम चर्चा करेंगे आफ्टर स्टडी स्टेट की, किसकी, आफ्टर स्टडी स्टेट, ठीक है। आफ्टर स्टडी स्टेट में क्या हो चुका है हमारे पास, कैपेसिटर जो है चार्ज हो चुका है। जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर इसकी एनर्जी लिखने का, कैपेसिटर की एनर्जी लिखने का प्रयास करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला एक ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जब हम एनर्जी इन स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर लिखेंगे तो हम एक बात जानते हैं, हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी होती है, हम एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो, क्या होती है हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है। सिंपल, हमारे पास अगर ये एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम इन द कैपेसिटर तो हम एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू यू इंटू वी, वी क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर हम एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी है, ये वाला ई जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। इसको मैं कैसे बना दूँ, मान लो इसको मैं लिख देता हूँ, अभी इसको कैपिटल ई लिखता हूँ, इसको मैं कैपिटल यू लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल यू, ठीक है, दिस इज कैपिटल यू, दिस इज स्मॉल यू, दिस इज कैपिटल वी, ठीक है। तो यू हम जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी, वी क्या है,
इसका वॉल्यूम क्या होता है, अगर एरिया ए और डिस्टेंस डी है तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ए इंटू डी। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जाता है एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। करेक्ट है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, नहीं सब कुछ सही है, ए इंटू डी। ये आ गई हमारे पास एनर्जी, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने शायद, कि ए ने ए को ये मारा और हमारे पास कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। सब सही है क्या, ठीक है। अरे यार भाई मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या गड़बड़ किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मैंने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रख दिया, ये क्या हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, मैं क्या रख रहा हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मैं उठा करके इधर ला रहा हूँ, क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू क्यू इंटू सॉरी क्यू बाई ए, यानी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए इंटू डी। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, ये डी को उठा के अपॉन में ले आएंगे, क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, कैपेसिटेंस, यानी आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। मान लो हमने टोटल चार्ज लिख दिया कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू मान लो हम छोटा चार्ज लिख रहे हैं, तो हमने टोटल चार्ज लिख दिया क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब क्यू क्या होता है, सी वी, यानी इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन, अच्छा, यानी इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो थी हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, अर्थात जब यहाँ से मतलब इस जो इनिशियल स्टेट थी वहाँ पे क्या था, यहाँ जीरो चार्ज था, यहाँ पे जीरो चार्ज था, ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ से यहाँ तक कितना फ्लो करा ये मैं देखना, भाई यहाँ से माइनस सी वी निकला तो यहाँ पे प्लस सी वी आ गया टोटल, अर्थात जो टोटल चार्ज इससे फ्लो करा वो क्या करा, सी वी, टोटल चार्ज कितना फ्लो करा, सी वी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इसने कितना वर्क डन करा, जो बैटरी है, बैटरी ने कितना वर्क डन करा, मान लो W से मुझको दिखा दे, वर्क डन बाय द बैटरी, तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास, Q इंटू वी, Q इंटू वी, अर्थात Q इंटू वी क्या है, सॉरी Q क्या है हमारे पास, सी वी, सी वी इंटू वी, अर्थात सी वी स्क्वायर, बैटरी ने वर्क डन करा सी वी स्क्वायर, जो कैपेसिटर था उसको एनर्जी मिली हाफ सी वी स्क्वायर, यानी बैटरी एनर्जी थी सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर को मिली हाफ सी वी स्क्वायर, बची कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, भाई हमारे पास टोटल जो बैटरी थी उसने दी हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर को मिल गई हाफ सी वी स्क्वायर, ये बैटरी की थी, ये कैपेसिटर की थी, बची कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, ये कहाँ गई, हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गई, हाफ सी वी स्क्वायर जाती है हीट लॉस में इन द रेसिस्टर, इन द रेसिस्टर जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये था हमारे पास हीट लॉस, क्या था, हीट लॉस। तो हीट लॉस क्या आ जाता है, हीट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी माइनस वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये फॉर्मूला आपको हीट लॉस का याद रखना है, सिंपल, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ ये बैटरी है, इतने वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा कैपेसिटर इतना चार्ज इतना नहीं चार्ज, तो हम इनिशियल एनर्जी का भी ध्यान रखना, मान लो कैपेसिटर आपका थोड़ा सा पहले से ही चार्ज हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सोचना, इसके बारे में कुछ जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में और भी क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इसको समझो फॉर्मूले को, अपनी भाषा में थोड़ा बहुत लिखो और इसको उतार लो, ठीक है। चलो अब आज क्लास में इतना ही रखते हैं, अब आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में कि इस क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। चलो इसके लिए हम और सर्किट के इसके जो कैपेसिटर है उसके सर्किट भी बनाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।